रेफ को पीछे की तरफ से घुमाकर कंप्रेसर की वर्किंग चेक करें। मेन सप्लाई स्विच ऑफ करने के बाद ट्रे ड्रिप को निकाल लें। ध्यान रहे ट्रे ड्रिप में पानी हो सकता है। कंप्रेसर के इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हटा लें, जैसे पीटीसी, ओएलपी, अर्थ स्क्रू इत्यादि। कंप्रेसर की चारों माउंटिंग क्लिप हटाकर ड्रायर को कटर की सहायता से रेव साइकिल से अलग करें। कंप्रेसर की तीनों पाइपों को कटर की सहायता से काटकर कंप्रेसर को रेव साइकिल से अलग करें। नाइट्रोजन सिलेंडर को मैनिफोल्ड की सहायता से रेव साइकिल से कनेक्ट कर फ्लशिंग करें। नए कंप्रेसर में एक्सेसरीज भी नई होनी चाहिए। नए कंप्रेसर को क्लिप की सहायता से माउंट करें। डिस्चार्ज और सक्शन पाइप को ब्रेजिंग की सहायता से जोड़कर कंप्रेसर को रेव साइकिल से कनेक्ट करें। प्रोसेस पाइप को मैनिफोल्ड की सहायता से नाइट्रोजन सिलेंडर से जोड़कर फ्लशिंग करें। नए ड्रायर को लगाकर रेव साइकिल कंप्लीट करें। इसके बाद सारे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जैसे अर्थ स्क्रू, पीटीसी इत्यादि लगा लें। ध्यान रहे कोई कनेक्शन लूज ना हो। सोप सॉल्यूशन की मदद से सभी ब्रेजिंग जॉइंट्स पर लीकेज चेक करें। इसके बाद वैक्यूम प्रोसेस शुरू करें। वैक्यूम कम से कम 15 मिनट तक होना चाहिए। वैक्यूम हो जाने के बाद ओपन जॉइंट्स को ब्रेजिंग की सहायता से बंद करें। इसके बाद रेफ मॉडल के हिसाब से गैस चार्जिंग शुरू करें। मेन सप्लाई ऑन करें। कंप्रेसर की वर्किंग चेक करें। ये सुनिश्चित करें कि डिस्चार्ज पाइप गर्म तथा इवेपोरेटर ठंडी होनी चाहिए। सारे ओपन जॉइंट्स को ब्रेजिंग की सहायता से बंद करें। ब्रेजिंग जॉइंट्स पर लीकेज चेक करें। ट्रे ड्रिप लगाकर प्रोसेस खत्म करें।